मदद के लिए आ सकती हो? अरे बाबा, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ। फिर तो तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। एक काम करो जूही, तुम ज्योति को क्यों नहीं फोन कर लेती? मुझे सजेशन मत दो, मुझे मत बताओ मुझे किसको फोन करना है या नहीं। ओके बाय। जिंदगी से निकल जाए। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। दया तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, फिर उसे हमसे क्या लेना देना है? और दरवाजे पे ऐसा क्यों लिखा है? कहीं है दया का कोई दुश्मन तो नहीं? मैं दया को फोन करती हूँ। दया फोन लो। दया प्लीज पिक अप द फोन। मैं मैसेज करती हूँ, वो मेरा SMS जरूर पड़ेगा। Thank you.
टेंशन ले रही थी। उसकी गाड़ी घर पर ही है ना, वो घर पर होगी। चल। तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अंदर चल कर देखते है ना। ये क्या लिखा है यहाँ पे? गया से कह दो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। जूही, जूही, ये देख यहाँ पे बैठी हुई है। जूही, इतनी देर से तुझे फोन कर रहे हैं, तू रिप्लाई नहीं कर सकती? तुझे पता हमें कितनी टेंशन हो गई थी? तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना हम, जवाब क्यों नहीं दे रही तू? जूही, किन ख्यालों में है तू? जूही, ये देखिए सर, दरवाजे पे कुछ लिखा है। दया से कह दो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। सर, इसका नाम जूही है, ये एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इसकी मौत कैसे हुई, कुछ पता चला? सर, इसके शरीर पर ना ही कोई चाकू के घाव का निशान है, ना ही कोई गोली का निशान, मतलब शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं। कहीं इसे जहर देके तो नहीं मारा गया? नहीं फ्रेडी, इसे जहर देकर नहीं मारा, क्योंकि अगर जहर देते तो जहर का रिएक्शन दिख जाता, इसके होंठ भी काले नीले पड़ जाते। सर, सर इस डस्टबिन में ये पॉली बैग मिला है सर। ये क्या, अंदर की तरफ लिपस्टिक है, और ये देखो, लगता ये नाक का निशान है। मतलब ऐसे, इसका मतलब एक खूनी ने इस पॉलिथिन बैग के जरिए जोई का दम घोट कर मार दिया है। फोरेंसिक लैब में भेज दो सर। सबसे पहले जोई की लाश तुम दोनों ने देखी ना? जी सर। वैसे तुम दोनों? सर, मैं ज्योति, ये प्रीति, हम दोनों जूही के बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। वैसे इतनी रात गए, तुम लोग जूही से मिलने क्यों आए थे? सर, काफी देर से मैं जूही से बात करने की कोशिश कर रही थी, वो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी जूही की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अजीब सा था। अजीब सा बर्ताव मतलब? हर छोटी बात में उसे टेंशन हो जाता था, बुरा मान जाती थी वो, हमसे मिलना भी बंद कर दिया था उसने, बस फोन पर ही बात होती थी उससे। वैसे उसकी परेशानी की कोई खास वजह थी? नहीं सर, उसने हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। सर, सर जूही का फोन कल रात सर करीब 8 से 9 बजे के बीच में ज्योति ने जूही को 20 मिस कॉल दिए थे। मिस कॉल्स में दया सर का भी नाम था। क्या, दया? यस सर, और सर दया सर ने भी कई बार जूही को फोन किया था। दया ने जूही को कई बार फोन किए थे, और जूही ने भी। फिर जूही के घर के दरवाजे पर दया के बारे में कुछ लिखा है, चक्कर क्या है? जूही? सर, दया, जूही का किसी ने खून कर दिया है, दम घुट कर मारा है उसे। तुम अच्छी तरह से जानते थे ना जूही को? हाँ सर, की जूही मेरी कॉलेज की दोस्त थी सर। इसने अभी कई बार फोन किया मुझे, मैं बिजी था तो मैं फोन उठा नहीं सका। ओ, तुमने भी तो फोन किए थे जूही को, है ना? हाँ सर, मैंने इसका SMS पढ़ा तो मैंने इसे फोन किया, मगर इसने फोन नहीं उठाया सर। क्या लिखा था मैसेज में? यही कि कॉल बैक अर्जेंटली। कॉल मी अर्जेंटली? अब समझ में आया कि ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी।
मैंने फोन उठा लिया होता तो शायद ये ये, ये, ये जिंदा होती सर। वैसे इस घर के दरवाजे पर जो लिखा है कि दया से कहो तुम्हारी जिंदगी में से निकल जाए, इसका मतलब क्या है? पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। जूही के घर पे कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखेगा? तुम्हें पता नहीं? अच्छा, से शादीशुदा थी ना? हाँ सर। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जूही अपनी परेशानी अपने पति को बताने के बजाय तुम्हें क्यों बताती थी, तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? वो सर इसलिए क्योंकि जूही के और उसके पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर। प्रॉब्लम्स चल रहे थे? दया, जूही ने कई बार तुम्हें फोन किए थे मगर तुमने उसके फोन नहीं उठाए। मैंने भी तुम्हें फोन किया था मगर मेरा भी फोन तुमने नहीं उठाया। कहाँ गए थे तुम, क्या कर रहे थे? कुछ पर्सनल काम में बिजी था सर, इसीलिए मैं जूही का फोन उठा नहीं सका। कुछ ही मिनटों का काम था सर मगर। और कुछ ही मिनटों में जूही का भी काम हो गया। सारुंके, क्या पता चला? अरे यार, जब लाश आप लोगों ने फॉरेंसिक में भिजवाई है तो कुछ तो पता चलेगा ही ना। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। सर, जूही के खून में से हमें बेहोशी की दवाई मिली है। क्या? बेहोशी की दवाई? हाँ सर, और इसके दाहिने हाथ पर ये निशान। ये तो इंजेक्शन का निशान जैसा लग रहा है। राइट। मतलब पहले खूनी ने जूही को बेहोश किया और फिर दम घोट के मार दिया। मगर सर, इसे मारना ही था तो खूनी ने इसे बेहोश क्यों किया? दम घोट के मारने के लिए ताकत चाहिए। शायद खूनी को अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो इसे इस तरह से मार सके। तो सर, खूनी कोई दुबला पतला आदमी होगा। एक बात और बॉस, ये इसके हाथ के ये नाखून देखो, ये फाइबर जैसा फंसा हुआ है। फिर इसमें जो ये धागे, ये फाइबर्स दिख रहे हैं, वो हैं किस चीज के? ये हौजरी मटेरियल के धागे हैं। सस्ता सा हौजरी मटेरियल जिससे सस्ती चीप टी शर्ट्स और बनियान बनती है। और ये ग्रे कलर के। मतलब खूनी कोई दुबला पतला आदमी है जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना। ऐसे किसी आदमी को जानते हो तुम? मैं? ये क्या पूछ रहे हो अभिजीत? देखो दया, खूनी जो कोई भी है वो तुमसे नफरत करता है, नहीं तो जूही के घर में ये नहीं लिखा होता कि दया से कह दो वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। ये जूही का हस्बैंड राहुल, उससे कैसे रिलेशन है तुम्हारे? नहीं, राहुल से मेरी नहीं बनती थी। इस राहुल से मिल लो, वही बताएगा इसे मारा किसने। क्या बात है दया, पूरी भारत लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें ससुराल जो ले जाने आए हैं मिस्टर राहुल। क्या मतलब? पानी से बाहर तो निकलो, तब बताएंगे। आओ। हाँ दया, बोलो, किस ससुराल की बात कर रहे थे? सरकारी ससुराल, जहाँ तुम जैसे खूनी रखे जाते हैं। मैं खूनी? बनो मत, जूही का खून किया है तुमने। क्या? जूही का खून हो गया? कहाँ, कैसे? उसी के घर में रात को तुम लोगों का झगड़ा चल रहा था ना। ये तो सबको पता है, हम लोगों में काफी टाइम से झगड़ा चल रहा था, पर मैं अब भी जूही से प्यार करता हूँ। पिछले हफ्ते भी तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जूही के साथ, उसने बताया था मुझे। मैंने उससे शॉपिंग मॉल में मिलने की कोशिश की थी पर वो मुझे देखकर अपसेट हो गई। हम दोनों के बीच में सुलह होने वाली थी, फिर पता नहीं अचानक उसको दोबारा से क्या हो गया। कल रात कहाँ थे तुम? मैं अपने दोस्त आर्यन के घर पर गया था डिनर के लिए। अगर आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। जरूर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? बिलीव मी, मैं जूही को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आखिरी बार जूही से कहाँ मिले थे? कल शाम को।
आर्यन की पार्टी में ले जाने के लिए उसे लेने गया था। वो गई थी तुम्हारे साथ? नहीं, वो काफी परेशान लग रही थी। उसके घर का एसी खराब हो गया था, एसी बनाने वाला तब तक नहीं आया था। कब आने वाला था एसी वाला? शायद 7 बजे, पर वो तब तक आया नहीं था। वो फोन पर सॉरी बोल रहा था और कह रहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा। ये जूही लैंडलाइन से बात कर रही थी अपने मोबाइल से? अपने मोबाइल से? मोबाइल फोन से। सचिन, जूही के मोबाइल फोन से इस एसी वाले का नंबर निकाल लो, ये एसी वाला जरूर कुछ बता सकता है। जूही नाम की कस्टमर से एसी खराब हो जाने की कंप्लेन आई थी आपको? मुझे देख के बताना पड़ेगा मैडम। हाँ, एक मिनट। जी। वैसे जूही मैडम कहाँ रहती है? मालतानी रोड गांधीवली। ये दिख गया। हाँ, एक दिन पहले उनका फोन आया था, उनका स्प्लिट एसी रिपेयर करने के लिए। और कौन सा सर्विस इंजीनियर गया था उनके घर? वैसे ये काम मैंने राजू को सौंपा था, लेकिन उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, फिर वो छुट्टी में चला गया। राजू की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसकी जगह कोई और तो गया होगा ना? हाँ सर, लेकिन उस दिन स्टाफ बहुत कम आए थे, इसलिए मैंने किसी को भेजा नहीं। ये देखे ना, उसकी विजिट कंप्लेंट पेंडिंग है। ठीक है। सर, लगता है ये ग्रे टी शर्ट और ब्लैक पैंट इसकी कंपनी के सर्विस इंजीनियर का ड्रेस कोड है। हाँ मैडम, है ना एकदम रापचिक। वैसे पूर्वी जूही की नाखूनों में से हमें ग्रे कलर के टी शर्ट का टुकड़ा मिला था, हो सकता है वो टुकड़ा सर्विस इंजीनियर का ही हो। मगर सर ये तो कह रहा है कि इसका कोई सर्विस इंजीनियर जूही के घर गया ही नहीं था एसी रिपेयर करने के लिए। पूर्वी ये भी तो हो सकता है कि राजू झूठ बोल रहा हो और बीमारी का बहाना बनाया उसने। सर राजू को ही पकड़ते हैं। राजू, 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 रुक। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। कुछ नहीं किया सर। भाग क्यों रहे थे? सीआईडी को देख के कौन नहीं भागेगा साहब। ये बैग में क्या रखा था? कुछ नहीं सर, कपड़े हैं, कपड़े। ठीक है, ठीक है सर, कपड़े हैं साहब। सुना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है, इसलिए तुम जूही के घर एसी रिपेयर करने नहीं गए थे? जी साहब, वाकई में मेरी तबीयत खराब है साहब, इसलिए तो गाँव जा रहा था साहब आराम करने के लिए। ये क्या है? ये देखिए सर, इसके कपड़ों में ये देखिए सर, नोटों की गड्डी। कहाँ से आए ये पैसे? साहब वो बता, किसने दिए तुम्हें ये पैसे? साहब मैं उसे पहचानता नहीं हूँ साहब। साहब मुझे तो बस मोबाइल पे SMS आया था कि मुझे जूही मैम के यहाँ AC रिपेयर करने के लिए नहीं जाना है। साहब मुझे वहाँ नहीं जाने के लिए पैसे मिले हैं साहब। अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो पैसे तुम्हें मिले कैसे? सब आज सुबह जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो मैंने अपने स्कूटर पे ये पैसे देखे साहब। जिस नंबर से तुम्हें SMS आया था जरा वो नंबर दिखाओ। जी सर, इस नंबर को ट्रैक करते हैं, पता चल जाएगा कि कौन है इस साजिश के पीछे। सर मोबाइल का सिग्नल 500 मीटर की दूरी से आ रहा है। 500 मीटर? सर 300 मीटर? सर 200 मीटर? पास में ही है। सर 100 मीटर? सर सर ये यहीं से आ रहा है। ये बिल्डिंग? ये तो वैभव समर्थ बिल्डिंग है। वैभव समर्थ, तुम जानते हो क्या इस बिल्डिंग को? हाँ, मेरी दोस्त शिल्पा यहाँ पे रहती है, फ्लैट नंबर 203 में। शिल्पा? और शिल्पा जूही को भी जानती है? हाँ थोड़ा बहुत, हम लोग तीनों एक ही कॉलेज में थे, मेरी वजह से शायद एक दूसरे को जानते हैं ये लोग। सर मोबाइल का सिग्नल बंद हो गया। बंद हो गया? कहीं उस आदमी को पता तो नहीं चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? जल्दी चलो। ए, सुनो, हम लोग CID से इस बिल्डिंग में एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। बोले सर, हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर दिखाओ सोसाइटी का। ये लीजिए सर।
अभी अभी कोई बिल्डिंग में गया है क्या? बहुत बड़ी बिल्डिंग है साहब, अलग अलग तरह के लोग आते हैं साहब। फ्लैट नंबर 203 केबल वाला गया। शिल्पा, शिल्पा शिल्पा, शिल्पा, सही तो मर चुकी है। कोई घाव नहीं, कोई खून का निशान नहीं। इसकी मौत भी जुई की तरह हुई है। हाँ सर, जिस तरह से जूही को मारने के बाद उसकी लाश को बैठाया गया था, शिल्पा को भी वैसे ही बैठाया गया है। दोनों के खून करने का तरीका भी लगभग वही है। जूही के यहाँ खूनी एसी वाला बन के आया था, तो यहाँ पे केबल वाला। एक ही दिन में मेरे दो दोस्तों की जान चली। सर, ये फोन मिला है, पर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? जाओ ऑन करके देखो, कहीं ये वही मोबाइल तो नहीं जिसे हम लोग ट्रेस कर रहे थे। सर, हाँ सर, ये तो वही फोन है। कमाल है, खूनी यहाँ आता है, शिल्पा का खून करता है और अपना मोबाइल यहीं छोड़ के चला जाता है। लेकिन सर, खूनी ऐसा क्यों करेगा? शायद कुछ बताना चाहता है वो। पर सर, इस फोन में कॉल लिस्ट और एसएमएस सब कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन सर, इसमें कुछ फोटोज हैं। खूनी के मोबाइल में दया, तुम्हारी और शिल्पा की फोटो है। हाँ? ये मेरी फोटो खूनी के मोबाइल पे कैसे? क्या जरा अपना पेन देना। पेन? हाँ पेन। कहाँ है तुम्हारा पेन? शायद आज कहीं गुम हो गई मेरी पेन। गुम नहीं हुआ है, वो यही है। शिल्पा के घर पे। ओ हाँ, वो मैं आज सुबह शिल्पा से मिलने के लिए आया था, शायद उस वक्त यहाँ पे रह गया होगा। तुम आज शिल्पा से मिलने आए थे, ये बात तुमने हम लोगों से छुपाई क्यों? दे इसमें ना तो कोई छुपाने वाली बात है और ना ही कोई बताने वाली बात। ये शिल्पा प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहती थी और मैं बताओ गारंटर साइन करने के लिए आया था। तुम बात का भतंगड़ बना रहे हो अभिजी। दो लड़कियों की मौत हुई है लगभग एक ही तरीके से, दोनों तुम्हारी दोस्त थी और इसलिए तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? हाँ? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं शक कर रहा हूँ? मैं तो बता रहा हूँ, दो लड़कियों की मौत हुई है और दोनों तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। शिल्पा की मौत भी दम घुटने की वजह से हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे भी जूही की तरह बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। सर, शिल्पा को भी जूही की तरह बिठा के रखा था कातिल। जूही के घर खूनी एसी वाला बन के गया था, शिल्पा के घर केबल वाला। ऐसा लगता है सर कि दोनों का खूनी कोई एक ही आदमी है। लेकिन कौन? जूही और शिल्पा दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी सर। लेकिन दोनों तुम्हें तो जानती थी दया। सचिन, शिल्पा के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। सर, शिल्पा ने पड़ोसियों के अलावा अपने पापा को और रात को 3:07 पे दया सर को भी फोन किया था। 3:07 सुबह? सर, शिल्पा के पिताजी की तबीयत खराब थी, वो परेशान थी, तो उसने रात को मुझे फोन किया था और मैंने सिर्फ उसे सलाह दी थी। सलाह दे दी आधी रात को? लेकिन दया, तुमने तो हमें बताया कि तुम शिल्पा के घर सुबह गए थे। हाँ सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके घर गया था सुबह,
वो लोन के पेपर साइन करने के लिए, क्योंकि मैं गारंटर था सर। सर, किसी दोस्त की मदद करना कोई गुनाह तो नहीं है, और अगर मरने से पहले जूही और शिल्पा ने मुझे फोन किया था तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है सर। दया, तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे, सच सच बताओ। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? वो इसलिए दया क्योंकि जूही की मौत के समय तुम कहीं बाहर गए थे। जूही ने कई बार तुम्हें फोन किया मगर तुमने उसका फोन नहीं लिया, और तो शिल्पा की मौत से पहले तुम उसके घर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान उसके डाइनिंग टेबल पर रखे हुए ग्लास से मिले, और तुम्हारा पेन भी वहीं पर मिला। अब बता क्या कहना है तुम्हें? सर, मेरा जूही और शिल्पा का दोस्त होना, उन दोनों का फोन आना मुझे, या मेरा पेन शिल्पा के घर में मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूं सर। सर, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती, तुम इस केस से दूर रहोगे। सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने दो करीबी दोस्तों को खो चुका हूं सर, और जब तक उनके उनके असली कातिल को पकड़ के उन्हें क्या होता है, कहां जा रहे हो? मुझे कहीं जाना है। एक मिनट दया, जाने दो उसे। खबरदार दया, सबूत मिटाने की कोशिश मत करो। सर, सबूत मिटाने की नहीं, मैं सबूत ढूंढने के लिए खड़ा था सर। ये एल्बम मुझे दो। सर, एल्बम मुझे दो दया। ये फोटो कहाँ है? ये फोटो कहाँ गायब हो गए? सर एक नहीं सर, दो फोटोग्राफ्स गायब है। कैसे गायब हो? सर, किसी ने मेरे एल्बम से ये फोटोग्राफ चुराई है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने लैपटॉप पे इस मिसिंग फोटोग्राफ्स की कॉपी दिखा सकता हूँ आपको। चलो दिखा। आइए सर। फोटोग्राफ नंबर 110। सर ये है वो, और ये फोटोग्राफ नंबर 117। ये दो फोटोग्राफ गायब है सर। जूही और शिल्पा इन दोनों की लाशें बिल्कुल इसी पोजीशन में मिली थी, ऐसे ही बैठी हुई। ये है कौन दया जो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ड्रॉर में से फोटोज चुराता है? कौन ये? सर, हाँ सर, ये देखिए, और लैंप के ऊपर ये कैमरा और ये माइक्रोचिप लगाई हुई। सर इसका मतलब होनी हर पल दया सर पर नजर रखे हुआ था। सर, हाँ इस एल्बम से ये दो और फोटोग्राफ गायब है। और दो फोटोज गायब है किसके? जहां तक मुझे याद है ये अनुष्का और ज्योति के फोटोग्राफ्स हैं। अनुष्का और ज्योति, इसका मतलब है दया अगला शिकार खूनी का अनुष्का और ज्योति है। सर ये ज्योति तो फोन नहीं उठा रही। पूर्वी, ज्योति का फोन ट्रेस हुआ? हाँ सर। सर ज्योति के मोबाइल को लोकेशन फिलहाल डीएन नगर के इलाके में बता रहा है। डीएन नगर? हेलो, यस सर, क्या? ओके सर, सर अभिजीत सर का फोन था, वो कह रहे थे कि अनुष्का अपने घर पर नहीं है और उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ। सर उसने अनुष्का को भी मारना दिया। सर ज्योति के मोबाइल का लोकेशन इस तरफ बता रहा है। मॉल में? हाँ सर। इस लड़की को यहाँ पे देखा? नहीं। अच्छा, ये लड़की अगर मॉल में दिखाई दे तो हमें इन्फॉर्म करना, और इस लड़की को यहाँ से बाहर मत जाने देना। ये फोटो रखना तुम्हारे पास।
सब कुछ पता नहीं चला। सर, सर कुछ पता नहीं चला सर। कुछ पता नहीं चला? इस ज्योति का मोबाइल अभी भी यहीं पे दिखा रहा है? हाँ सर, सर मोबाइल को लोकेशन अभी भी इसी मॉल में है। इसी मॉल में? पार्किंग एरिया? हमने अभी तक पार्किंग एरिया नहीं देखा। सर, हाँ? सर वो रही ज्योति की गाड़ी। का मोबाइल तो इस गाड़ी के अंदर ही पड़ा है। सर, हाँ? यहाँ पर खून के निशान है। ओ, मतलब कातिल ज्योति पे हमला कर चुका है। लेकिन सर वो उसको लेकर कहाँ गया होगा? ये बात तो है, इस मॉल में इतनी सिक्योरिटी है, जख्मी हालत में ज्योति को वो कहाँ लेके जा सकता है? ओ, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करते हैं। हाँ सचिन, कुछ पता चला सीसीटीवी फुटेज से? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। एक मिनट सचिन, जरा जरा रिवाइंड करने से पॉज करो। वैन के ड्राइवर के चेहरे पे जरा जूम करो। चेहरा कुछ जाना पहचाना से लग रहा है सर। सचिन, इसके चेहरे से ये दाढ़ी और मूंछ हटा के दिखाना। एक मिनट। सर ये तो अनुष्का है। अनुष्का? रेडी, वैन का पता लगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, ये अनुष्का जूही, शिल्पा और ज्योति की जान के पीछे क्यों पड़ी है? बड़ी सीधी लड़की है सर ये। सर मुझे तो ये प्यार व्यार का चक्कर ही लग रहा है। ओके, थैंक यू सर। हाँ? इस सर्विस वैन को एक घंटे पहले 22 नंबर के चेक पोस्ट को पार करते हुए देखा गया था। चेक पोस्ट नंबर 22? सर उस चेक पोस्ट से पहले बाई तरफ 20 किलोमीटर में अनुष्का का फार्म हाउस भी है। अच्छा अभिजीत, हम उस वैन का पीछा करते हैं। और दया, सर तुम उस फार्म हाउस पर जाओ, कहीं ना कहीं तो ये अनुष्का जरूर मिलेगी। नहीं किया तो खोलने का क्या मतलब? दया, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सच बता रहा हूं। अनुष्का ने तुम्हें यहां पे नहीं बांधा है, तुमने अपने आप को यहां पे बांधा है। मुझे पूरा यकीन हो गया, जूही और शिल्पा का खून तुम्हीं ने किया है। Ha 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 ha!
बहादुर तो तुम हो ही, इंटेलिजेंट भी हो। सही कह रहे हो दया, शिल्पा को और जूही को मैंने रास्ते से हटाया। क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? दया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये बकवास बंद करो और ये बताओ, अनुष्का को कहाँ पे छुपा के रखा तुमने? अनुष्का को मैंने ऐसी जगह छुपा के रखा है कि जब तक मैं ना चाहूं तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, और तुम्हारी भलाई इसी में है। मेरी बात मान लो और अनुष्का को छुड़ा लो। अरे ये तो उल्टा हो गया। क्या हुआ सर? अनुष्का ने ज्योति को नहीं बल्कि ज्योति ने अनुष्का को कहीं पर छुपा के रखा। क्या? दया का मैसेज है। सर, ज्योति ने अनुष्का को फार्म हाउस में छुपा कर रखा होगा। नहीं श्रेया, फार्म हाउस नहीं है वो, दया खुद फार्म हाउस पर है। फिर तो वो किसी वैन में ही होगी सर। हाँ, हो सकती है। निखिल, तुमने फोन किया है ना अगले चेक पोस्ट वालों को? हाँ सर, इन्फॉर्म कर दिया था। तो कुछ आया कि नहीं फोन? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक। सर, चेक पोस्ट तो आ ही गया है, अभी पता चल जाएगा। सर, आपने जिस गाड़ी के बारे में बताया था वो अभी तक पास नहीं हुई यहाँ से। वो गाड़ी तो 2 घंटे पहले उस चेक पोस्ट से निकली है, तो इसका मतलब ये गाड़ी अभी इन दोनों चेक पोस्ट के बीच में ही छुपा कर रखी है। गाड़ी घुमा लो वापस। तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं तुम्हें चाहती हूँ दया, तुम्हें चाहती हूँ। 1 साल पहले मेरी जान बचाकर मेरी लाइफ के हीरो बन गए थे तुम। तब से मन ही मन में तुमसे प्यार करने लग गई। कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बोलने की। तुम्हें पता है, पिछले 1 साल से तुम्हारे हर केस के बारे में पता है मुझे, हर केस के बारे में। ज्योति, तुम इन सब का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी। बीच में मत बोलो ना प्लीज। पिछले 1 साल से जो जज्बात दिल में छुपाए हुए थे उन्हें जुबान पे आने तो दो। पागलों की तरह प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, पागलों की तरह। और तुम हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं। उस दिन चैरिटी फंक्शन में तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया था ना। क्यों? कैसा चैरिटी फंक्शन? ओह, वो जो 2 महीने पहले अंधेरी में हुआ था, वहां पे इतनी भीड़ थी, हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आया होगा, वरना मैं तुमसे जरूर बात करता। मुझे मालूम था कि तुम्हारा ध्यान मेरे पर नहीं गया। बस उसी समय मैंने तय कर लिया था कि कुछ ऐसा करूंगी जिससे CID ऑफिसर दया का ध्यान मेरे पर आए। तुमने जूही और शिल्पा का खून किया, गलत किया। वो दोनों बेकसूर थी। कसूर तो था ना दोनों का। हाँ, दोनों आपके कितने करीब थे, और वो अनुष्का मेरे अलावा आपके कोई इतने करीब है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, इसीलिए मैंने तीनों को मारने का प्लान बनाया, और ऐसा प्लान बनाया जिससे कि आपको मेरी इंटेलिजेंस और बहादुरी पे गर्व हो। देखो ज्योति, ये बताओ कि अनुष्का कहाँ है? बाद में मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, आई प्रॉमिस। नहीं, मुझे दोस्ती नहीं करनी आपसे ना, बिल्कुल नहीं। दोस्ती नहीं करना चाहती तो फिर? शादी, मुझे आपसे शादी करनी है, अभी इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज्योति, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपने मुझसे शादी नहीं करी तो 1 घंटे के अंदर वो तो मर जाएगी, सोच लो। पीछे एक गाड़ी दिखाई पड़ी। सर, हो रही है। खून? अभिजीत, लगता है ज्योति ने अनुष्का को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होगा। फिर ये अनुष्का कहाँ गए? अभिजीत, अगर वैन यहीं पर है तो अनुष्का भी यहीं कहीं होगी। चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो।
सर। माय गॉड, सर इसकी सांसें चल रही हैं, अभी भी जिंदा है। जिंदा? इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त करो, उठाओ इसे। आखिरी बार पूछ रही हूं, मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं ज्योति, ये नामुमकिन है। क्यों? अपनी दोस्त अनुष्का को बचाना नहीं चाहते तुम? बचाना चाहता था अनुष्का को, और वो बच भी गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो मैं तुम्हारी सह रहा था इतनी देर से, मगर अब अनुष्का मिल गई है और वो भी सही सलामत। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, ये नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ नहीं हो सकता, मगर अब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी और फिर फांसी। पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही हो? प्यार करती हूँ तुमसे दया, और करती रहूंगी, चाहे हम जिंदा रहे या ना रहे। रुक जाओ ज्योति, रुक जाओ, अब मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। किसी को भी जबरदस्ती करके तुम अपना बना नहीं सकती, उसके बदले में क्या मिलेगा तुम्हें मालूम है? मिलेगी सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। दया तुमसे प्यार नहीं करता ज्योति। आप सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो, दया मुझे नहीं मिल सकता, मैं जी का क्या करूंगी? ज्योति, ज्योति क्या कर रही हो तुम? अब मैं जी का क्या करूंगी? दया, गोली लगी तुम्हें क्या? ठीक हूं मैं, गोली छू के निकल गई। सर अनुष्का कैसी है? अनुष्का आईसीयू में, हम लोग सही वक्त पर पहुंच गए इसलिए बच गए। लेकिन जूही और शिल्पा को बचा नहीं पाया, इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा मुझे सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।